खोल सकते हैं, देख के करेगा तब ना, खोल सकते हैं सर। पहचान तो ऐसे डाल देते थे उसमें करके डाल के अंदर तक डाल देते थे। कितना अभी तक कर चुके हो इसे बताओ? कौन आगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल क्या क्या सिखाया था सर? वही मेन है। सिखाया था क्या क्या? कितने साल से कर रहे हो? कितने महीने से कर रहे हो? कपड़ा का धंधा करते फर्स्ट टाइम है। मतलब पहली बार क्यों? पहली बार ही पकड़ा? पहली बार फर्स्ट टाइम उसका सर आया, वो बोला कपड़ा क्या बोल के लाया था? ये मास्टर है। क्या बोल कर लाया था आप लोगों को? इधर आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। इसका एक पास कपड़ा का बंडल होता है, तांत वाली साड़ी जो होती है ना बंगाली, पांच को सात को लेके बोलो बताओ बोलो बताओ बोलो আমি চিনি না, একদিন ফোনে আমার নীলরতন হসপিটালে আমার সঙ্গে দেখা, সেখান থেকে পরিচয় হলো, ফোনে কন্ট্যাক্ট করে করে আমাকে নিয়ে আসলো। আমি এখানে সর্বপ্রথম এসেছি স্যার, আমার লাইফে আমার এই প্রথম আসা। আমি জানি না স্যার কেতনা পয়সা দেতা থা স্যার। পয়সা নাই। কেতনা পয়সা আপনি বলকে লায়া থা? 700 টাকা করে ডেইলি দেবে। এসে দেখলাম যে এরকম যে কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্যে, এবার আমারে বলছে যে এখানে এইভাবে করে করতে হবে, নাহলে পয়সা দেবো না। আমাদের কাছে পয়সা করে ছিল না, ও যেতে পারছি না। একদিনে আমি এ করলাম, তারপরে ওই পিছনে পিছনে গাড়ি। আমি তো নতুন কিছুই জানি না স্যার, আমি সর্বপ্রথম এসেছি। আমি এই গয়া টয়ার নাম আমি কিছুই জানতাম না স্যার। আমার এই লাইফে আমার এই প্রথম আসা স্যার। আমার সংসারে প্রচুর অভাব। কেতনা লোককে লেকে আয়া থা সাথ মে স্যার? পরে পরে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে পরে পরে সব এনাদের সঙ্গে সব আস্তে আস্তে সব যোগাযোগ। সব একই জায়গা রহনে ওয়ালে হ্যায়? একই জায়গা বলতে একই গাঁও কে? না স্যার, আমার গাঁও অনেক দূরে স্যার, মালদহ চ মিনা কা থানা স্যার। জিতনা ভি লোক হ্যায়? হ্যাঁ, আমি স্যার মিনা কা থানা। ঠিক হ্যায়। पिछले कुछ दिनों से रेल पुलिस पटना में चेन स्नैचिंग, अटैची लिफ्टर्स और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी और घटना घटित भी हो रहे थे। इसी बीच में एक डेहरी में कुछ दिन पहले एक पकड़ा गया, एक अटैची लिफ्टर को पकड़ा गया, तो वहां से पता चला कि अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है और छः व्यक्ति की उसके निशानदेही पर छः अपराधियों की गिरफ्तारी उसमें हुई थी। उसके बाद पुनः घटनाओं में वृद्धि होने पर और देखा गया कि डेहरी में और गया लाइन, पटना गया और जो सासाराम लाइन है वहाँ, और ये पटना जो आपका बक्सर और हाथीदह लाइन है, यहाँ पटना जहानाबाद लाइन में चेन स्नैचिंग, अटैचिंग लिफ्टिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देखा गया। इसमें विशेष टीम का गठन किया गया और लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा रही थी, आसूचना संकलन की जा रही थी, सभी स्टेशन को अलर्ट किया गया था। इसी बीच में कल धनबाद वाराणसी इंटरसिटी में एक हल्ला हुआ, प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी रुकी तो एक हल्ला हुआ कि एक चेन की स्नैचिंग हुई है एक महिला से, तो उसी में उसमें काफ़ी मेहनत किया गया। वहाँ पे उपस्थित जो जितने भी पदाधिकारी थे रेल पुलिस पटना के आरपीएफ के, उन लोगों के द्वारा उसको पकड़ा गया। और उसके बाद जो सीसीटीवी का मॉनिटरिंग जो देखा गया सीसीटीवी, तो पाया गया कि उसमें काफ़ी एक गिरोह के संलिप्त होने की सूचना उसी समय प्राप्त हो गई, सीसीटीवी को देखते ही, कि वो किस तरह से पास ऑन कर रहे थे और किस तरह से वो कटर से, वो जो व्यक्ति है जो कि पकड़ाया गया व्यक्ति आशीष दत्ता पाइक, उम्र 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय मंटू दत्त पाइक, साकिन कुमारसा, थाना कैनिन, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। तो जो एड्रेस आया पश्चिम बंगाल का, तो ये पुष्टि हो गई कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह की तरफ इंगित कर रहा है। उसका मोबाइल देखा गया, उसके पास से कटर सोने का जो झपटा हुआ चेन बरामद हुआ, उसके मोबाइल के नंबर का मिलान किया गया और सीसीटीवी फुटेज देखा गया और उसके बाद रेकी किया गया जो बाहर की तरफ, तो देखा कि ये बाहर में एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा अपराधी आ रहा है, तो इससे लगा कि और भी लोग वहाँ पर कहीं छुपे हुए हैं। तो फिर उसके मोबाइल नंबरों से लेके उसे सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि गया के एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं सुनियोजित तरीका से, तो वहाँ पे रेड करके छापेमारी की गई। तो बाकी गैंग के अन्य 7 सदस्यों को
पकड़ा गया, जिसमें जाकिद शेख, रविबुल सरदार, तारक चंद मांझी, सलाउद्दीन सरदार, आनंद खटुआ, पॉल मंडल, एनुल गायन, ये सब पकड़े गए, जो कि पश्चिम बंगाल बंगाल के ही 24 परगना जिला के थे और कैनिन थाना, मिनरवा थाना, बड़ेपुर थाना के मुख्यतः वो सब उन्होंने अपना पता बताया। और उसमें एक खास चीज़ हुआ कि उन लोगों के पास से बाकी 4 चेन और बाकी 5 मोबाइल, कुल 5 चेन हो गया, कुल 6 मोबाइल, सोना काटने वाला एक कटर और उसका कुछ रुपए बरामद किए गए इन लोगों के पास से। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें बात आई कि इसमें जो ट्यूब होता है टूथपेस्ट का, उसमें इन लोगों ने इस चेन को तुरंत झपट के तुरंत ही रख देते थे इस ट्यूब में, और इस पर शक हुआ तो ट्यूब से चेन को बरामद किया गया। बारी बारी से इसमें पूछताछ किया गया है और जो स्टेशन है, इन लोगों ने अपराध अपना संलिप्तता स्वीकार किया है और गया लाइन और ये पटना जंक्शन, बंका घाट, गुलजारबाग, कई स्टेशन पर, इसके अलावा बाकी अन्य जगहों पर भी अपराध के बारे में इन्होंने बताया। प्रयास किया जा रहा है कि कहां कहां आपराधिक इतिहास है, ताकि जिसका चेन है उसको लौटाया जा सके, जिसका भी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। छापामारी टीम में खास करके वहाँ पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार, जो रेल पटना के हैं, रेल अंचल गया के, उनके नेतृत्व में हुआ, और पुवनी जयप्रकाश सिंह, पुवनी पुनेंदु कुमार सिंह सिन्हा रेल पटना के, और उप निरीक्षक अजय तिक्का आरपीएफ के, उनका भी ज्वाइंट टीम के सदस्य बाकी थे, इन सब के द्वारा ऑपरेशन किया गया। तो इससे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ और हम लोग सक्सेसफुली उसको पकड़ने में सक्सेसफुल हुए और बरामद भी, चेन भी बरामद हुआ।